हेलो एवरीवन, सो आज हम नाजी द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर के अगले पार्ट्स में पहुंच गए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे यूथ इन नाजी जर्मन। हिटलर जो कंट्रीज़ की यूथ है उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो मानता था कि अगर नाजी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी बचपन से ही इस्टेब्लिश करनी होगी। इसके लिए उन्होंने बच्चों को इनसाइड और आउटसाइड स्कूल में पूरी तरीके से ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो क्या होता था स्कूलों में नाजी पीरियड में स्कूलों में क्या होता था? तो स्कूल को क्लीन और प्यूरिफाइड प्लेस माना जाता था, जहाँ पे टीचर्स जो कि ज्यूस थे, जो कि पॉलिटिकल अनडिजायरेबल थे, उन्हें हटा दिया गया। चिल्ड्रन लोग को पहले स्टेरोगेट जर्मन और ज्यूस मतलब स्टेरोगेट किया गया। जर्मन बच्चों को, ज्यूस बच्चों को पहले अलग अलग बैठाया गया, उनको साथ में खेलने नहीं दिया जाता, उन्हें साथ में पढ़ने नहीं दिया जाता। फिर उन्होंने धीरे धीरे नाजी बच्चों के मन में डाला कि जो ज्यूस बच्चे वो अनडिजायरेबल है, जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, और जो जिप्सीज बच्चे हैं, नज्यूज बच्चे, उन्हें सबको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और फाइनली 1940 में उन्हें, उन सारे बच्चों को गैस चैम्बर में मार दिया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रन जो है उनमें उसकी प्रोसेस जो है नाजी स्कूलिंग में शुरू हो गई थी। ये एक प्रोलॉन्ग पीरियड था जिसमें बच्चों की ट्रेनिंग शुरू से की जा रही थी। स्कूल की जो किताबें हैं उसको फिर से लिखा गया, उसमें ये बताया गया कि नाजी आइडिया के हिसाब से उस किताबों को, जो नाजी स्टीरियोटाइप्स थे जिसको, जिसमें उसके हिसाब से पब्लिश किया गया, जिसमें ज्यूस जो है उन्हें विलन के तौर पे या उन्हें बुरे लोगों के तौर पे दिखाने जाने लगा। चिल्ड्रन को ये सिखाया जाता कि कैसे उन्हें लॉयल और सबमिट रहना है, किस तरीके से ज्यूस से उन्हें नफरत करनी है और हिटलर की पूजा करनी है। उनके स्पोर्ट्स का नेचर भी बदल दिया गया, उनमें थोड़ा वायलेंस स्पोर्ट्स, एग्रेसिवनेस को बढ़ावा दिया गया। हिटलर बिलीव करता था कि बॉक्सिंग जो है वो बच्चों को मजबूत बनाएगी, स्ट्रांग बनाएगी, और बॉक्सिंग को इंकरेज किया गया। यूथ को ऑर्गेनाइज किया गया, एक प्रॉपर एजुकेटेड जर्मन यूथ स्पिरिट के तौर पे, ताकि द स्पिरिट द नेशनल सोशलिज्म को बढ़ावा दिया। 10 साल के जितने बच्चे थे उन्हें जंग वॉक्स में भेज दिया गया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रॉपर नाजी ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती थी। 14 साल की उम्र में नाजी यूथ को हिटलर यूथ के नाम से जाने लगा, जिन्हें वॉर को पूछना, वॉर में किसे किसे लड़ना है, कैसे अपने ग्लोरीफाई करना है, वॉयलेंस से प्रेम करना है, ज्यूस से नफरत करनी है, कम्युनिस्ट जिप्सी लोगों से नफरत करनी है, सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाने लगी। ये ऐसा समय था जहाँ पे आइडियोलॉजी बकायदा बन गई थी, उन्हें फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे प्रॉपर नाजी को सर्व कर सके, और 18 ईयर तक आते तक वे नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से ढल चुके थे। जो मजबूत होते थे उन्हें आर्मी फोर्स में भेज दिया जाता, और बाकी नाजी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसकी कैटेगरी के हिसाब से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। यूथ लीग ऑफ नाजीज 1992 में बनाया गया। 4 साल में इसे हिटलर यूथ के नाम से पुकारे जाने लगा। यूथ जो मूवमेंट था वो पूरा नाजी कंट्रोल में था और सिस्टमेटिकली ये पूरी तरह से आगे बढ़ रहा था। ओके, देख सकते हैं पिक्चर्स में दिया गया कैसे बच्चों को जिस जो चिल्ड्रंस है अराइविंग एट द डेथ फैक्ट्री ऑफ द गैस, किस तरह से बच्चों को नाजी का साइन पहनाया गया, स्वास्तिक का, डिजायरेबल चिल्ड्रन जो नाजी है हिटलर के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। नाजी जो मदरहुड को किस तरह से देखती थी वो देख लेते हैं। चिल्ड्रंस जो नाजी जर्मन के थे, वुमेन्स रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द मैन, उनका ये मानना था कि जो औरतें वो आदमियों से भिन्न होती है, लड़ना आदमियों का काम है और
नाजी जर्मन बच्चों को देखभाल करना, घर की देखभाल करना, ये औरतों का काम। आदमियों का अधिकार औरतों का अधिकार इक्वल कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ही बेकार बात है, ये उन्हें, ये पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऐसा नाजी लोग का मानना था। बॉयज़ लोग को टफ होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, मसल्स उनके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उन्हें इमोशंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये नाजी लोग मानते थे। गर्ल्स लोगों को ये कहा गया कि उन्हें एक अच्छी माँ बनना है और प्योर आर्यन बच्चों को जन्म देना है। गर्ल्स की जिम्मेदारी है कि वो प्योरिटी ऑफ रेस को मेंटेन करे और ज्यूस लोगों से, जिप्सीज लोगों से, जो भी अनडिजायरेबल कास्ट है उनसे दूर रहे, और बच्चों को नाजी वैल्यू अपने घर से सिखा कर भेजे। आयरन कल्चर जो रेस है उसे बढ़ावा देने का काम औरतों की जिम्मेदारी थी। 1993 में हिटलर ने कहा था कि जो हमारी सोसाइटी की जो माँ लोग हैं, नाजी जो मदर्स हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट सिटीजन हैं, क्योंकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्योर रेशियल को बढ़ावा दें। उनको जर्मन में कभी भी मदर्स लोग को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया, वुमेन्स को सिर्फ ये सिखाया गया कि वे अपने बच्चों को किस तरीके से नाजी ट्रेनिंग दें। अगर कोई वुमेन अनडिजायरेबल चिल्ड्रन को पैदा करती है, मतलब जो प्योर जर्मन आयरन नहीं है, उन्हें पनिश किया जाता, ठीक, और जो डिज़ायरेबल चिल्ड्रंस को पैदा करती उन्हें अवार्ड दिया जाता, उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता, जैसे हॉस्पिटल में उनको डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक, उनको शॉप में डिस्काउंट्स मिलते हैं, उन्हें थिएटर्स में, रेलवे टिकट के फेयर में डिस्काउंट्स मिलते हैं। बट वुमेन्स को इंक्रेज किया गया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करें ताकि प्योर आर्यन, नाजी आर्यन जो रेस है वो बढ़ सके, और इनके लिए उन्होंने अवार्ड फिक्स किया। 4 बच्चे जो नाजी जर्मन को पैदा करेगी उनको ब्रॉन्ज, 6 फॉर अ सिल्वर एंड 8 फॉर द गोल्ड एंड मोर ऑन। आर्यन वीमेंस जो थी उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया कोड ऑफ कंडक्ट के लिए, ताकि वे, और बताया गया कि अगर वो उस कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मानेगी तो उन्हें सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। उन्हें ज्यूस लोगों से दूर रहना है, पॉलिश लोगों से, रशियन लोगों से दूर रहना है, ठीक है। अगर वे उनके संपर्क में आती तो उन्हें बहुत ही बुरा उनके साथ व्यवहार होता, उन्हें दंड दिया था, उनके बाल शेव कर दिया, हेड जो शेव कर दिया जाते, चेहरे को काला कर देते, और उनके गले पे एक तख्ती टंगा दी जाती कि आई हैव स्लटेड द ऑनर ऑफ नेशन। इस तख्ती के साथ उन्हें पूरे शहर में घुमाया जाता, उन्हें जेल भेज दिया जाता, या उन्हें क्रिमिनल ऑफेंस, उसके साथ साथ उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली, उनको सबके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत केस चलता। ओके, आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया जर्मन आर्य नाजी जर्मन्स के द्वारा। नाजी रेजिम में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा केयर से इस्तेमाल किया जाता था मीडिया में, ठीक है। वेरियस प्रैक्टिस और बहुत सी चीज़ों को उन लोगों ने अलग अलग शब्दों से पुकारना शुरू किया, ठीक है, ताकि लोगों के मन में शांति बने रहे, वे लगे कि वे अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं। नाजी कभी भी किल या मर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मास कम्युनिकेशन को द स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन के नाम से पुकारा जाता, या इथोनेशिया, जो डिसेबल लोग हैं उसके लिए इथोनेशिया प्रोग्राम, या फिर सेक्शन या डिसइंफेक्शन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था चैम्बर, जब गैस चैम्बर में लोगों को ले जाया जाता था। तो ये जो लेबल है, इसे डिसइंफेक्शन एरिया जहाँ पे ये सारी चीज़ होती थी, ठीक है, वहाँ पे भी उन लोगों ने फेक बाथरूम बना कर रखा था, शावर रखा था, लेकिन शावर से पानी ना निकल के गैस निकलता था, जहरीली गैसें निकलती थी जिससे लोग मारे जाते थे। मीडिया बहुत केयरफुली शब्दों का इस्तेमाल करती और सपोर्ट जीत रही थी लोगों का, ताकि लोगों को लगे कि सब कुछ नाजी जर्मन में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। सारा कंट्रोल, चाहे विजुअल इमेज हो, फिल्म हो, रेडियो, पोस्टर हो, या फिर लेफ्ट जितने भी स्केची स्लोगन्स है, इसका इस्तेमाल मीडिया में करते थे, और ये सारे चीज़ नाजी जर्मन जो है वो उन्हें बताया करते थे। पोस्टर्स लगाए गए जिसमें वो आइडेंटिफाई कर सके उनकी एनिमी को, उन्होंने स्टोरियोटाइप, मॉन्ग, एब्यूसिव और इविल दिखाया जाता है इस पोस्टर में,
जैसे इस पोस्टर में सोशलिस्ट लिबरल्स इन्हें कमज़ोर और बुरी बहुत ही दयनीय स्थिति में है ऐसा दिखाया जाता। इसके साथ साथ दे वे अटैक्ड फॉरेन एजेंट्स, ये दिखाया जाता कि फॉरेन लोग किसे लुटे रहे हैं, वो उन्हें लूट रहे हैं, इस तरीके से उन्हें प्रस्तुत किया गया। कुछ प्रोपोगेंडा फिल्म्स भी बनाई गई ताकि लोगों के अंदर जूस के लिए नफरत बन सके। इनमें से एक फेमस जो फिल्म है वो है इटर्नल जूस। ये एक ऑर्थोडॉक्स जूस का स्टीरियोटाइप मार किया गया जिसमें बताया कि जूस किस तरीके से बुरे इंसान होते हैं। फॉलोइंग द ब्रीड सॉरी बियर्ड एंड वेयरिंग कफेंस द रियलिटी वॉज डिफरेंट। इस तरीके से लोगों को दिखाया गया कि वे बहुत ही बुरे हैं, दाढ़ी बनाए हुए हैं, कफलिंग पहने हैं, ऐसा जैसे बुरा चेहरा उनका प्रस्तुत किया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल अलग था। जो ज्यूस लोग थे वो बिल्कुल अलग तरीके से अपेयर होते थे, ठीक है, उनकी कम्युनिटी उस तरीके से नहीं रहती थी जिस तरीके से इनमें दिखाया गया, ठीक है। इन्हें रिफर किया गया वेरमिन्स रैट्स एंड पैट्स जैसी चीज़ों से इन्हें प्रस्तुत किया जाने लगा लोगों के सामने कार्टून्स में। द मूवमेंट वॉज कंपेयर्ड टू बी द रोडेंट नाजी वर्क ऑन द माइंड ऑफ अ पीपल टैप्ड इन इमोशन टर्न द हेटेड अगेन द अनडिजायरेबल कास्ट। तो नाजी लोग पूरी तरीके से लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे थे, वे बता रहे थे कि क्या उनके लिए अनडिजायरेबल, कैसे इन लोगों से नफरत करनी चाहिए, कैसे इन लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा नाजी हैड मेड अ इक्वल एफर्ट टू अपील ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, दे सॉट टू विन द सपोर्ट ऑफ सजेशन और नाजी अलॉन्ग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। वे लोगों से सजेशन भी लेते, उनका सपोर्ट हासिल करते, ये दिखाते कि वे जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इन लोगों के ना रहने पर ही नाजी जो जर्मन है वो आगे बढ़ सकता है। ओके, आइए अब हम लास्ट जो इसका पार्ट है ऑर्डिनरी पीपल्स एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वो देख लेते हैं। तो हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजीज़, तो कैसे कॉमन पीपल ने रिएक्ट किया। देखो बहुत से लोग तो नाजी के आइडियोलॉजी को मान रहे थे, उनको पता नहीं था कि नाजी क्या कर रहे हैं, क्योंकि नाजी लैंग्वेज में उन लोगों को कभी भी हेटर्ड ऑफ ज्यूस ऐसे चीज़ें दिखाई ही नहीं दी जाती थी। हमने देखा कि किसी किसी नाजी अपने शब्दों का इस्तेमाल कर देते थे, लोगों को दिखाते थे कि वे ज्यूस को क्या कर रहे हैं, उन्हें इथोनेशिया मतलब पवित्रीकरण प्रोग्राम के तहत पवित्र कर रहे हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, या उन्हें जो भी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि लोगों को पता ना चलते। कई बार उन लोग हाउस को मार्क कर देते ज्यूस का ताकि लोग उनसे डरे, ज्यूस लोग का रहना ज़रूर दुश्वार हो चुका था। दे जनरली बिलीव द नाजी ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इम्प्रूव द जर्नल बींग लाइफ। उनको ये पता लग रहा था कि ज्यूस लोगों के कारण ही या ज्यूस लोग के साथ जो किया जा रहा है वो करना बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है वो ये मानते थे कि नाजी ही इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी जर्मनी के लेकर के आएंगे, पर सारे जर्मन नाजी के हिसाब से नहीं सोचा करते थे। कुछ एक्टिव रेजिस्टेंस भी थे जो नाजी और ब्रेवरिंग पुलिस से बच चुके थे और लोगों को बता रहे थे कि नाजी उनके साथ कितने गलत कई लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वेड बी पैसिव ऑन लुकर एंड एपैथिक विटनेस दे वेयर टू स्केयर्ड एक्ट डिफरेंट द प्रोटेस्ट। बहुत से लोग ये देख रहे थे कि नाजी जर्मन के द्वारा लोगों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है और ये बिल्कुल भी शांतिपूर्व है, ठीक है। पोस्टर नीलो में रेजिस्टेंस द फाइटर ऑब्जर्व एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्टर एंड साइलेंस अमंग्स द ऑर्डिनरी जर्मन दे फेस द ब्रूटल ऑर्गेनाइज क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द पीपल इन नाजी एम्पायर। तो जो पास्टर नीलोमोर एक जर्मन थे, उन्होंने देखा, लोगों को बताया, उन्होंने एक पोएम भी लिखी है लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से नाजी जर्मन ने उनकी ज़िंदगी बदल दी है। उन्होंने लिखा है फर्स्ट दे कम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, देन दे कम फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक, वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेटिक सो आई डिड नथिंग, then they come for the trade unionist but I was not a trade unionist and they come for the Jews but I was not a Jew so I did little,
देन दे कम फॉर द मी एंड देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कैन स्टैंड अप फॉर मी। तो बहुत ही सही प्रस्तुतिकरण है इस पोएम में कि पहले वे कम्युनिस्ट खिलाए, मैंने कहा कम्युनिस्ट, मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर सोशल डेमोक्रेटिक के लिए वे लोग आए, उन्हें मारने लगे, मैंने कहा मैं तो सोशल डेमोक्रेटिक को नहीं मानता, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वे ट्रेड यूनियन के लिए आए, फिर भी मैं कुछ चुप रहा। फिर वे ज्यूस के लिए आए, मैंने थोड़ा बहुत सिंपैथी दिखाई पर फिर मैंने कुछ नहीं किया। फिर वे मुझे मारने के लिए आए, अब मेरे साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। द ज्यूस फेल्ट द नाजी इन अ डिफरेंट स्टोरी टुगेदर शार्लेट ब्रेडिट। तो ज्यूस लोग थे वो नाजी जर्मन के डिफरेंट व्यू था ज्यूस लोग का। जो शार्लेट थी उन्होंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया है कि किस तरीके अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया कि लोग किसी किसी ड्रीम में भी डरा करते थे कि उन्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने ये सारी चीज़ जो डायरी में नोट डाउन करी, उन्होंने थर्ड रिच ऑफ ड्रीम जस्ट किताब में पब्लिश करी, जिसमें दिखाया कि ज्यूस जो है वो ये बिलीव करने लगे थे कि नाजी स्टीरियोटाइप जो है वो उन्हें पूरी तरह से मार देगा। वे अपने सपने में देखते थे कि उन्हें नाक से हुक लगा करके टांग दिया गया है, जैसे किसी जानवर को टांगा जाता है। उनकी इमेज जो है नाजी जो प्रेस में कि जिस तरह से बना दी गई है कि ज्यूस लोग एक शिकारी है जो लोगों को मार रहे हैं। वे सपने में डरा करते थे, उन्हें डर होता था कि कभी भी नाजी जर्मन आएंगे उन्हें मार देंगे। एक मौत मरने गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले वे अपने सपनों में कई मौतें मर चुके थे इस डर की ज़िंदगी में। नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। तो जर्मन की जो प्रैक्टिस थी वो लास्ट ईयर रिजम में बहुत बढ़ गई थी। युद्ध के बाद जर्मन लोग जब हार गए तो वर्ल्ड ने रियलाइज़ किया कि एक बहुत ही हॉरेबल चीज़ जर्मन में हो रही थी, ठीक है। जर्मन हारने के बाद ज्यूस लोगों को वर्ल्ड में रिमेम्बर याद किया जाता है कि किस तरह से उन्होंने सफरिंग को झेला है और उन्होंने नाजी किलिंग से अपने आप को बचाया है, ठीक है। ये एक ऐसा हॉलोकॉस्ट था जिससे उन्होंने निकले हैं, ठीक है। नाजी जर्मन के साथ जो कुछ हुआ वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्थिति के कारण हुआ था। तो वे ये चाहते थे कि दोबारा ऐसी स्थिति ना आए और ऐसे घटना ना घटे। लोगों के सामने नाजी में क्या जर्मनी में क्या हो रहा है बहुत से कम लोगों को पता था। बहुत सी डायरिया नोटबुक और क्रिएटिव आर्टिस्ट के द्वारा पता चलता है कि नाजी जर्मन में लोगों की ज़िंदगी किस तरह से कैसे गीतोज है, ज्यूस लोग है, अनडिज़ायरेबल लोग जो है, पॉलिश लोग है, रशियन लोग, उनकी ज़िंदगी किस तरह से एक प्रताड़नापूर्ण टॉर्चरपूर्ण बीत रही थी। तो बहुत से ऑफिशियल एविडेंस हमको मिलते हैं, बहुत से एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए युद्ध के बाद। बहुत सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं चल सकी कि एक्चुअल में और क्या क्या हुए कर रहे थे, ओके। तो ये हिस्ट्री की एक बहुत ही डरावनी मेमोरी है जो आज भी फिक्शन, डॉक्यूमेंट्री, पोएट्री और लोगों के मेमोरी में आज भी बनी हुई है। आज भी बहुत से लोग जो इन चीज़ों से गुजरे हैं वे ऐसी चीज़ों को सोच के डर में रहते हैं, ओके स्टूडेंट। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा।